हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये इस स्वेटर में इसका बाँह जो है इसमें घर कैसे उठाते हैं हाफ स्वेटर के बाँह में, सो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से घर उठाते हैं। ये देखिए, हमने ये इस तरह से कर लिया। उसके बाद ये सबसे नीचे का जो है, सबसे नीचे पहला घर जो घटाए हैं, सबसे नीचे कांटे को लगाते हैं और फिर इस तरह से इसे बाहर निकाल लिया। ये दो, ऐसे तीन, चार, इस तरह से ऐसे पांच, सात, आठ, नौ, दस, इस तरह से घर उठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इस तरह से उठाते हुए हमें यहां तक पहुंचना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्यारह नंबर का कांटा है, इस पे मैंने ये बाँह चढ़ाया है। एक साइड में मैंने 80 घर उठा लिया है, ये आप देख सकते हैं 80 घर। अब दूसरे साइड का भी शुरू करते हैं। इधर भी हमें 80 घर उठाना है। एक, ये देखिए पूरा ये जो है, ये दूसरे साइड में भी हमें 80 घर उठाना है। तो एक, दो, तीन, चार, इसी तरह करते हुए चार, पांच, जो ऐसे ये घर दिख रहा है इसमें आपको घर उठाते चले जाना है। छः, सात, आठ, नौ, दस, इस तरह से ऐसे उठाते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है। साइड में हमने 80 घर उठाया, 80 फंदे। अब इधर साइड का भी, इधर हमसे 75 फंदे आए हैं, तो इसको क्या करना है, 75 फंदे हैं तो इसको 80 करना है। फिर अब इधर से घूम गए, इधर से हम शुरू करते हैं एक उल्टा एक सीधा बनाना बॉर्डर। ये उल्टा हमने बना लिया, एक उल्टा, जैसे बॉर्डर बनाते हैं, एक उल्टा एक सीधा, फिर एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा,
सीधा उल्टा सीधा। फ्रेंड्स ये हमारे इस साइड के 75 घर थे, 80 होने चाहिए, तो इसको पूरा करना है। तो इसे हम क्या कर करते हैं कि यहाँ का ये जो घर है ऐसे, इसे हम उठा लेते हैं और इस पर चढ़ा देते हैं ऐसे, इसी में से। फिर ये हमने सीधा बुना है, अब इसे हम उल्टा बुन दिए, फिर इसे सीधा उल्टा। इस तरह से हम जहाँ दूर दूर पे कहीं घर मेकअप कर लेंगे, यहाँ भी थोड़ा फर्क लग रहा है, तो यहाँ भी हम ऐसे उठा लिए, इस पर चढ़ा दिए। और ये देखिए फिर ये सीधा उल्टा है, फिर अब इसे हमने सीधा बुन दिया, फिर इधर फंदा करके फिर उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ये घर और बढ़ा देते हैं, सीधा इस तरह से पांच घर बना दिए, बढ़ा दिए हम। पांच घर बढ़ जाने से ये फिर 80 हो गया। देखिए ये सब इसी तरह से हमें बुन के उल्टा सीधा बुनते हुए हमें यहाँ तक आना है। देखिए फ्रेंड्स ये अब हमने ये पूरा बना लिया है, दोनों साइड के 80 इधर है और 80 इधर है, 80 फंदे इधर, 80 फंदा इधर, ये तैयार हुआ है। और ये बॉर्डर जो है अब हमने, आप ये चोटी गिन लीजिए, ये चोटी जो है तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन हमने बुन लिया है। अब हम इसे डबल करना बताते हैं आपको कि इसे हम डबल कैसे करते हैं। तो देखिए डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सीधा घर जो है, ये सीधा, इसे ऐसे बुन लिए सीधा, फिर फंदे को इधर कर लिए, फिर ये उल्टा उतार लिए, फिर फंदा इधर कर दिए और सीधा बुन दिए, फंदा इधर किए उल्टा उतार लिए, फंदा इधर किए सीधा बुन लिए, फिर फंदा आगे किए उल्टा उतार लिए, फिर फंदा पीछे सीधा बुन लिए, फिर फंदा आगे ये उतार लिए उल्टा, फंदा पीछे फिर सीधा बुन लिए। इसी तरह से है, उल्टा उतारना है और सीधा बुनना है। उल्टा उतार लिए, फंदा इधर कर दिए, सीधा बुन लिए, फिर फंदा आगे किए उल्टा उतार लिए, फंदा इधर किए सीधा बुन लिए, फिर फंदे को आगे किए उल्टा उतार लिए, फिर फंदे को पीछे किए फिर सीधा बुन लिए, फिर फंदा आगे उल्टा उतरा, फंदा पीछे सीधा बुना गया, फिर फंदा आगे उल्टा उतार लिए, फंदा पीछे सीधा बुन लिए। बस इसी प्रोसेस से हमें पूरी सिलाई को बुन देना है। पूरी सिलाई ये पूरा हो गया है, ये उल्टा उतरा सीधा बुनाया, उल्टा उतरा सीधा बुनाया, उल्टा उतरा सीधा बुनाया, उल्टा उतरा सीधा बुनाया, उल्टा उतारे, फंदा इधर सीधा बुन दिए, उल्टा उतार दिए सीधा बुन दिए। अब देखिए पूरा ये पूरी सिलाई इस तरह से हुई। अब दूसरे साइड में हम आते हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से, ये उल्टा है तो ये उल्टे को हमने उतार दिया, उल्टा उतर गया, फंदा आगे कर लिए, अब सीधा बुन दिए, फिर फंदा आगे करके उल्टा उतार दिए सीधा बुन दिए। बस
सीधे साइड से भी हमने यही किया और उल्टे में आ गए, उल्टे में भी यही करना है। ये फंदा आगे किए, ये उल्टा उतार लिए, फंदा इधर कर दिए, सीधा बुन लिए, फिर फंदा आगे उल्टा उतारे, फंदा पीछे सीधा बुन लिए, फंदा आगे उल्टा उतारे, फंदा पीछे फिर सीधा बुन दिए, फिर फंदा आगे उल्टा उतारे, फंदा पीछे सीधा बुन दिए। इसी तरह से फ्रेंड्स पूरी सिलाई इधर भी हमें ऐसे करना है, बुन देना है पूरा, और इस तरह से बुनते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये डबल बॉर्डर है, अब ये पूरा हो गया है, दस सिलाई को हम बुन लिए हैं। ये देखिए यहाँ से आप गिनिएगा चोटी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये चोटी गिन के 10 चोटी हो गया है, तो समझिए कि अब ये पूरा हो गया बॉर्डर, बांह का बॉर्डर पूरा है। अब आपको इसे हम सुई से सिलना बताते हैं, निडल से, कैसे हम इसे निडल से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखिए यहाँ से ये नीचे ये घर है, इसको छोड़ के ये नीचे वाले इस फंदे को हम उठाते हैं, और ये सीधा है और ये उल्टा, तो ये सीधे वाले को फंदे को हम ये निडिल पे दोनों को, ये दोनों को ले लिए, और उसके बाद इस धागे से कर दिया। अब देखिए अब पीछे आना है, पीछे से हम इस उल्टे वाले घर को उठाते हैं, ये उल्टा ले लिए, और इस ये जो उल्टा है इसे हम ऐसे सीधे नहीं उतारते हैं, इसे हम थोड़ा घुमा देते हैं ऐसे, फिर सीधे वाले को लिए, इस सीधे वाले को लिए, और ये सीधा वाला है, सीधा को ऐसे नीडल पे ऐसे उतारे और इसे अब कस देना है, फिर इसे ऐसे ले लिए, खींच देना है इसे, फिर जो पीछे का पोर्शन है आप देख सकते हैं ये वाला, इसे हम ऐसे कांटे पे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, कि थोड़ा खुल जाए फंदा, फिर इसे नीडल पे ऐसे उठा लिए और इधर से ऐसे उल्टा उतार दिए, फंदा कस दिए, इधर थोड़ा सा हम लूज ही रखते हैं फ्रेंड, जब इधर का फंदा उठाएंगे फिर तो इसको कसेंगे। उसके बाद यहाँ फिर ये सीधा वाला को लिए, और ये सीधा वाला है, दोनों को ले लिए निडल पे, और फिर इसे ऐसे कस दिए, टाइट कर दिया, फिर ये दोनों है, ये दोनों को ऐसे निडल पे ऐसे उतारे, इधर वाला थोड़ा लूज ही रहने देंगे, और इस उल्टे को ऐसे निडल पे लिए, और फिर इसे इस तरह से सीधा नहीं लेना है, इसे इधर से घुमा देना है, देखिए इधर से सीधा नहीं करना है, ऐसे उल्टे से इसको करना है, फिर ये सीधे वाला को लिए, फिर ये सीधा वाला इसे कस दिए,
फिर इस उल्टे को लिए, इस उल्टे घर को ऐसे घुमा के फिर सीधे वाले को लिए, फिर सीधा इधर से कस दिए, फिर उल्टा वाला है, उल्टे को ऐसे लिए निडल पे, फिर इधर से घुमा के इस फंदे को उतार लिए, टाइट कर दिए धागे को, फिर यहां से लिए ऐसे उतार लिए धागा, इधर टाइट कर दिए, फिर उल्टा को ऐसे उतार लिए धागा टाइट, फिर ये सीधा है, सीधा को ऐसे ले लिए, फिर उल्टा, उल्टा वाला ऐसे किए धागा टाइट कर दिए, फिर ये सीधे घर को उठाए, सीधा उतार लिए, इधर से टाइट कर दिए, फिर यहां से इसे उठाना है इसलिए थोड़ा सा कांटे पे इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ले लिए और फिर ऐसे उतार लिए, देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाता है, कोई इसमें परेशानी नहीं होती है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप इसे बनाएं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके फिर पूछें, देखिए बिल्कुल आसान है, देखिए ये सीधे वाले घर को एक निडल पे लिए, फिर ये सीधा, ये उल्टा, देखिए आप देख सकते हैं ये बॉर्डर स्ट्रेचेबल बॉर्डर बिल्कुल, तो बस यही तरीका है बनाने का, और एक हमने इधर बना दिया है, आप देखिए मैं दिखाती हूँ, ये बना हुआ है, तो यही है, आप इसे बनाए, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।